अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी ये बेल्ट सलवार जो है वो किस तरह से आप लोगों को करना है, ये एक्सेल साइज का मैं ये आज बना के दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो मैंने लिया है 44 इंच, और यहाँ पे मैंने ज़्यादा करके लिया है, और इसका क्रॉथ जो है सलवार का वो मैंने लिया है 10 इंच, और सलवार का जो बेल्ट है वो मैंने लिया है 5 इंच। तो टोटल यहाँ पे हो गई है 15 इंच क्रॉच के लिए, और ऊपर का जो लेंथ है वो मुझे लेना है तकरीबन 21 इंच। और ये आप लोगों का जो घुटने हैं घुटने तक ले आना होगा। घुटने का मेजरमेंट मैंने लिया है 20 इंच, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, और नीचे का लेंथ है 18 इंच। तो ये है बेसिकली जो डिपेंड करता है कितना लॉन्ग आप लोग चाहते हो। ये इसी तरह से आप लोगों ये पार्ट का जो मेजरमेंट है आप लोगों को लेना होगा इस टाइप की सलवार के लिए। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इसको फोल्ड करना है सेंटर से। मुझे पहले इसको फोल्ड करना है इस तरह से, करने के बाद इसको मुझे फिर से फोल्ड करना है, यानी कि 4 लेयर पे मुझे डबल फोल्ड करना है। आप लोग चाहो तो फैब्रिक को इस तरह से भी फोल्ड करते हो कर सकते हो अगर लेंथ आप लोगों का आए, या फिर आप लोग इस लंबा करके भी इसको फोल्ड कर सकते हो। तो इसको मैं लंबा करके ही फोल्ड कर रही हूँ। करने के बाद इस कागज़ का सेंटर को मुझे निकालना है। तो ये है मेरी सेंटर, तो इसको मैं क्या करूँगी, फिर से इसको फोल्ड करके इसका मिडल जो है उसको मैं निकाल लूँगी। करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी नीचे तक, जितना मेरी लंबाई चाहिए। एक 21 इंच और 18 इंच को मुझे यहाँ पे प्लस करना है। सो यहाँ पे ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है वेस्ट का जो मेजरमेंट है इसको आप लोगों को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे मैंने ये 44 इंच लिया था। सो यहाँ पे 44 का अगर डिवाइड करते थे कि यहाँ पे आता है 11 इंच, तो 11 इंच को मैं सेंटर पे रख के दोनों साइडों पे हमें यहाँ पे मार्क करना है, यानी कि मिडिल को से ही हम लोगों को मेजरमेंट लेना है। अब हम 5 इंच को मार्क करेंगे, और जो 10 इंच था क्रॉच के लिए वो क्रॉच के लिए टोटल 15 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो 5 इंच पे मैंने मार्क किया, ये मेरी बेल्ट का था, और अब मैं मार्क करूँगी 15 इंच जो मेरी सलवार की क्रॉच थी। और क्रॉच की जो राउंड जो शेप है वो मैं लूँगी 2.5 इंच का। यहाँ पे अगर एक्सेल या फिर डबल एक्सेल के से ज़्यादा आप लोग हैं तो वो आप लोगों को इसका मेजरमेंट 1/2 इंच करके आप लोगों को हर एक साइज़ में बढ़ाना होगा। तो ये है 21 इंच यानी कि 21 इंच है इसका टॉप पार्ट। तो यहाँ पे मैं टॉप पार्ट एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। देने के बाद यहाँ से मैं 10 इंच को मार्क करूँगी जो मेरी घुटने का माप था। ये यहाँ से आप लोग, मैं यहाँ पे लूज करके 20 इंच लिया हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा लूज रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10 इंच लिया। पर जब स्टिचिंग करूँगी तब वहाँ पे मैं 2 इंच छोड़ के मैं स्टिचिंग करूँगी बाई चांस अगर मुझे ज़रूरत पड़ी। सो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरह से, और यहाँ पे एक कर्व लाइन दे दूँगी। देने के बाद मुझे क्या करना है, नीचे से जो 18 इंच था लेंथ वो लेंथ को मुझे निकालना है। लेंथ के लिए मैं क्या करूँगी, जितना मेरी लंबाई है चौड़ाई है इस कपड़े का यानी कि कागज़ का उतना ही मैं लूँगी। जितना आप लोगों का फैब्रिक का लेंथ आता है आप लोग यह वो ले सकते हो। यहाँ पे मेरी इतना ही आता है सो मैं यही ले रही हूँ। मुझे एग्जैक्ट सेम चीज़ दोनों साइडों से करना होगा। और बैक पार्ट पे क्या करना है, जो 4 इंच हमने ज़्यादा लिए थे स्टिचिंग के लिए यहाँ से 2 इंच और ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे हमारी बेल्ट जो हिप है हिप के शेप के लिए, सो यहाँ पे 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा करके यहाँ पे इसको जॉइंट कर लिया है।
यहाँ पे 1 इंच का डिस्टेंस मैं लेकर यहाँ पे एक शेप दे रही हूँ, बट कटिंग के समय ये जो 1 इंच मैंने लिया था दोनों साइडों से, वो हमें कटिंग के समय मैं उसको 1 इंच करके कम कटिंग करूँगी, क्योंकि मुझे ये शेप अगर ज़्यादा है तो वो बेल सलवार के जैसे नहीं लगेंगे। नीचे से मैं 1.5 इंच का एक छोटा सा माप लेकर ये पे एक शेप दूंगी, देखकर इसको मैं कट कर लूँगी। तो ये है मेरी बेसिक जो बटन है वो एग्जैक्ट यही चीज़ मैं कपड़े के ऊपर करूँगी, और कपड़े मुझे तकरीबन 1 मीटर का लगा। और डिपेंड करता है कितना घेर है फैब्रिक में, अगर कपड़े में घेर ज़्यादा है तो आप लोगों को ज़्यादा ही कम कपड़े में ही ये काफ़ी है, अगर उसका लेंथ इसका कम है तो आप लोगों को उसको घुमाकर फैब्रिक को लेना है। सो जो भी आप लोग फैब्रिक लो, कोशिश करना जहाँ पे लेंथ ज़्यादा हो या फिर जो इसका चौड़ाई है वो ज़्यादा हो। तो यहाँ पे 4 पीसेस हैं, इसको इस तरह से मुझे एक के ऊपर रख के मुझे यहाँ पे स्टिचिंग करना है दोनों पैरों के लिए, और यहाँ पर भी मुझे स्टिच करना है। तो ये जब ये स्टिच हो जाएगा उसके बाद जो बाकी काम है वो नॉर्मली जो हम सलवार पे स्टिचिंग करते हैं ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे स्टिचिंग करना होगा। तो अब मैं क्या करूँगी, यही एग्जैक्ट यही चीज़ मैं फैब्रिक के ऊपर करूँगी। वीडियो थोड़ा स्प्लिट में दे दूँगी क्योंकि नहीं चाहती कि दो बार इस सेम चीज़ मैं दिखाऊँ। सो इसीलिए मैं कपड़ा का कटिंग मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। सो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये कपड़े का भी कटिंग मैं दिखा रही हूँ। और मेरी चैनल पे ऑलरेडी और वीडियोस है सलवार्स की, प्लाजो सलवार और बहुत सारी सलवार डिज़ाइनिंग सलवार मैंने मेरी वीडियो पे ऑलरेडी मैंने शेयर करके रखा हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को भी एक नज़र ज़रूर देख के आइए, बहुत सारे वीडियोस मैंने शेयर किए हुए हैं और बहुत ही टिप्स के साथ मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो को देने के लिए। और ये सब जो वीडियोस मैं दे रही हूँ 50% है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जो मेरी व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है वही रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं जहाँ पे मैंने स्टिचिंग का तरीका बताया था वहाँ पे ये स्टिचिंग मैं कर रही हूँ, ये दोनों का साइड का पार्ट है और ये दूसरा पैर का पीस है। जब ये हो जाएगा उसके बाद हमें जो क्रॉच का फ्रंट का यानी कि साइडों का जो पार्ट है वो पार्ट भी हम लोगों को स्टिचिंग करना है। जब ये हो जाए इस तरह से आप लोगों को क्रॉच को भी स्टिचिंग करना है। तो क्रॉच को हम क्या करेंगे, सलवार का इसको हम जो स्टिच है उसकी स्टिच के ऊपर फेस टू फेस हम रख के इस तरह से इसके ऊपर रख के सेंटर से हम स्टिचिंग करेंगे। इससे होगा क्या, दोनों तरफ से आप लोगों का जो फैब्रिक का शेप है वो अच्छी तरह से आएगा और यहाँ पे कोई भी कम या फिर ज़्यादा नहीं होगा। सो अब मैं यहाँ पे इसके स्टिच कर रही हूँ। ये स्टिचिंग का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, हमारी नॉर्मल सलवार को जिस तरह से हम लोग स्टिचिंग करते हैं इससे भी बहुत ही आसानी है इसमें स्टिचिंग करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैलेट्स नहीं है, ये डायरेक्ट एक बिल्ट सलवार है। सो ये बहुत ही आसानी है। सो यहाँ पे जो हमारी जो बेल्ट के लिए हमने लिए थे 5 इंच, वही 5 इंच हम यहाँ पे लेकर इसको फोल्ड करके वहाँ तक हमें ले आना होगा। इस तरह से हमें ये हमारी जो ये बॉर्डर है उसको हम लोगों को कंप्लीट करना है। जब ये हो जाए उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एलास्टिक को देना है, जिस तरह से हम लोग डोरी को अटैच करते हैं ठीक वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे एलास्टिक को अटैच करना है। सो इसी तरह से मेरी ये पार्ट हो गई है। और सलवार की जो नीचे का पार्ट है वो क्या करना है, नीचे के पार्ट को आप लोगों को 2 बार फोल्ड करके नॉर्मल स्टिच से इसको स्टिच करना है, 2 बार फोल्ड करके। अगर आप लोग कोई भी जो लेसेस है अगर लगाना चाहते हो तो आप लोग लगा सकते हो। सो इसी तरह से मेरी ये सलवार कंप्लीट हो गई है। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा।
अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हों उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल बटन है इसको ज़रूर क्लिक करना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। सो तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। और हाँ, अगर आप लोगों का कोई भी रिक्वेस्ट होती है तो मुझे आप लोग कर सकते हो, हम आप लोगों का रिक्वेस्ट रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सो फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। बाय।